सो फाइनली कश्मीर से मैं निकल चुका हूँ, अब जा रहा हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट। फ्लाइट है मेरी दिल्ली की और अभी जस्ट मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ। थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ, फ्लाइट मेरी रात की 8 बजे की है, बट सिंस जल्दी फ्री हो गया तो लेट्स सी एंट्री होती है कि नहीं। बाकी टर्मिनल पे पहुँच के आपको बताता हूँ कैसा रहता है। सो पहुंच गया हूँ फाइनली। काफ़ी पैदल चलना पड़ता है यहाँ पे। पहले ऑटो ने मुझे मेन गेट के बाहर छोड़ दिया, फिर वहाँ से एक गाड़ी ली, उसने मुझे पार्किंग में छोड़ दिया। बट ठीक है, इतना भी महंगा नहीं पड़ा। ये आई थिंक डिपार्चर्स टर्मिनल है यहाँ पे। चलिए एंट्री करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ चेक इन के टाइम। तो ये है श्रीनगर का डिपार्चर टर्मिनल, काफ़ी बेसिक सा है। और ये एंट्री के लिए यहाँ पे और आई थिंक एक ही जगह पे लाइन है, तो इसी से जाना पड़ेगा। चलिए तो एंट्री हो गई है एयरपोर्ट में। अब आई थिंक हमको किधर जाना है, यस सामने है चेक इन काउंटर, तो वहीं चलते हैं। काफ़ी बेसिक सा एयरपोर्ट है श्रीनगर का, ऑब्वियसली ट्रैफिक भी इतना नहीं होता यहाँ पे, ऑल दो हॉलीडे सीजन में काफ़ी ट्रैफिक होता है मैंने सुना है। बट स्टिल आई थिंक ये एयरपोर्ट एक अपग्रेडेशन तो डिजर्व करता है। अच्छा मुझे ध्यान आया, मुझे आज चेक इन करना ही नहीं है बिकॉज मेरे पास सिर्फ कैबिन लगेज है, तो मैं सीधा अपना बोर्डिंग पास जो कि मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल में है उसको लेके सिक्योरिटी चेक पे जा सकता हूँ। तो चलते हैं सिक्योरिटी चेक पे ही चलते हैं, लेट्स गो। तो मैंने ये बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया था यहाँ पे कियोस्क से, जस्ट इन केस मोबाइल बोर्डिंग पास एक्सेप्ट ना हो तो, मे भी कुछ एयरपोर्ट्स में नहीं होता है। सो लेट्स गो टू द सिक्योरिटी नाउ। काउंटर्स अगर मैं देखूं, अगर आपको चेकिंग करना है तो अभी तो रिलेटिवली इतनी भीड़ नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि वीकेंड है तो शाम के टाइम थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाए, बट अभी इट्स रिलेटिवली गुड। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स सिक्योरिटी नाउ। सो सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं लाउंज की तरफ बिकॉज अभी बहुत टाइम है, अराउंड 2 घंटे से ऊपर है मेरे पास बोर्डिंग के। और सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम लगा, आई मीन श्रीनगर एयरपोर्ट की पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से इट टुक क्वाइट सम टाइम। सिर्फ 2 ही बेल्ट थे और क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है श्रीनगर में, तो लोगों ने काफ़ी जैकेट्स वगैरह पहन रखी थी, तो उस चक्कर में सिक्योरिटी में बहुत टाइम लग रहा था। वीकेंड भी है सो ऑब्वियसली लगेज भी ज़्यादा था लोगों के पास, बट एनीवेज मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम था। तो आई एम नाउ गोइंग टू फाइंड द लाउंज, लेट्स हेड टू द लाउंज। सो हियर इज द लाउंज, पाहुन द एग्जीक्यूटिव लाउंज। चलते हैं यहाँ पे, लेट्स एक्सप्लोर हाउ द लाउंज इज। सो लाउंज पे एंटर कर चुका हूँ, काफ़ी छोटा सा लाउंज है। दैट इन फ्रंट इज़ द बूफे एरिया और यहाँ पे स्क्रीन है जिसमें स्टेटस आ रहा है सारी फ्लाइट्स का। सो लेट्स चेक द बूफे एरिया, हाउ इज़ इट। सो लेट्स चेक बूफे में क्या है। यहाँ पे है चिकन राइस, दिस इज़ पनीर एंड राइस सैंडविचेस, दिस इज़ खड़ी, खड़ी क्या होता है समवन टेल मी, स्वीट बिस्किट्स एंड टी एंड कॉफ़ी। तो काफ़ी छोटा सा लाउंज है, इट्स ओके, एक दो घंटा बिठाने के लेट सिर्फ। सो मैंने एक ये सैंडविचेस और राइस और पनीर ले लिया है, डिसेंट सा मील हो जाएगा फ्लाइट से पहले बिकॉज आई वुड बी रीचिंग होम लेट, सो डिनर तो हो नहीं पाएगा।
Meanwhile, this is the lounge look like. चलिए खाते हैं और फिर थोड़ी देर लाउंज में रेस्ट करता हूँ, देन आई विल प्रोसीड टू माई गेट. सो मैं लाउंज से बाहर आ गया हूँ, 2 घंटे से ऊपर हो गए थे मुझे लाउंज में बैठे हुए, वहीं बैठा बैठा थक गया हूँ. फ्लाइट अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में 1/2 घंटा है लगभग, बट चलो तब तक थोड़ी देर एयरपोर्ट ही घूम लेते हैं, बिकॉज लाउंज में तो अब खाली हो गया, बिकॉज श्रीनगर एयरपोर्ट पे इतनी लेट नाइट फ्लाइट्स होती नहीं है. इनफैक्ट जो मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, वो लास्ट फ्लाइट है आई थिंक इस एयरपोर्ट पे आज की, आई मीन इंडिगो की तो लास्ट ही फ्लाइट है. तो शाम तक अंधेरा होने तक एयरपोर्ट वैसे खाली हो जाता है, तो लाउंज भी इसलिए बहुत खाली हो गया था और मैंने सोचा लाउंज से बाहर ही आ जाते हैं. गेट नंबर 4 से है मेरी बोर्डिंग, आई थिंक गेट नंबर 4 पीछे ही चला गया है, नो वरीज. थोड़ा सा मैं बाहर घूम लेता हूँ, फिर आपको बोर्डिंग पे मिलता हूँ सीधा. सो बोर्डिंग टाइम हो चुका है ऑलरेडी, बट अभी जो इनकमिंग एयरक्राफ्ट है उसके पैसेंजर्स डीबोर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा डिले होगा बोर्डिंग में. ऑलरेडी बहुत लंबा वेट किया है, चलो थोड़ा और सही. सो हियर्स आवर एयरक्राफ्ट A320neo. एक बार फिर से सिक्योरिटी चेक हो रहा है यहाँ पे, मैंने पहली बार देखा. सो हियर्स द A320 केबिन, 3-3 कॉन्फ़िगरेशन में, एंड हियर इज माय सीट 4D फॉर टुडे. वहाँ पे एक गोएयर का एयरक्राफ्ट है, वो भी डिपार्ट कर रहा है. एंड सीट फीचर्स की बात करें तो देयर इज स्टैंडर्ड ट्रे टेबल, एडजस्ट नहीं होती है बट इट्स गुड. लेग रूम इज डिसेंट, इन फ्लाइट लिटरेचर, मैगजीन, सेफ्टी कार्ड एंड सम एयर सिकनेस बैग. ठीक है, इंडिगो की इकोनॉमी सीट्स आर गुड, लेग रूम ठीक ठाक होता है उन पर कंपेयर टू सम अदर इकोनॉमी क्लास. सो मुझे बेसिकली आइल सीट मिली हुई आज, सो विंडो से टेक ऑफ लैंडिंग शायद ना दिखा पाऊँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट. इनकी लेबोरेटरी देखते हैं, काफ़ी क्लीन है वैसे अभी. नैपकिन एंड ऑल काफ़ी अच्छे तरह से रखे हैं. फोटो एज वेल.
फाइनली लैंड हो गए हैं टर्मिनल वन पे। अभी टर्मिनल वन के पार्किंग एरिया में आए का वहाँ पे है टर्मिनल वन। अभी बस से जाएंगे टर्मिनल वन के अराइवल सेक्शन। दिस वन कौन सी बस है पता ही नहीं चल रहा है। इस पूरे टर्मिनल में मोस्टली इंडिगो के एयरक्राफ्ट से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर एयरक्राफ्ट सो हियर वी आर एट द न्यू अराइवल टर्मिनल टर्मिनल वन ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखे तो टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। काफ़ी नया है, काफ़ी मॉडर्न है और अभी भी और एक्सपेंशन होगा इसका। अभी मुझे आज कोई चेक इन बैगेज तो कलेक्ट करना चाहिए बेल्ट से, सो आई विल जस्ट एग्जिट द टर्मिनल एंड गो। सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद होगी। मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में किसी और नए सफ़र में। टिल देन डू फॉलो द चैनल। Goodbye and take care.